CAA पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल बोले, इसे वापस ले बीजेपी, अगर ऐसा नहीं होता तो। जी हां, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पूरे देश की मांग है कि CAA वापस लिया जाए। अगर बीजेपी नहीं मानती और इसको वापस नहीं लेती तो बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर करें। उन्होंने बुधवार 13 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 10 साल में कुछ अच्छा काम बीजेपी वाले कर लेते तो ये नहीं करना पड़ता। बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी की सरकार से हमारे बच्चों को घर दिया नहीं जा रहा है और पाकिस्तान के लोगों को यहाँ घर देंगे। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, ये पूरा खेल चुनाव को लेकर है। इन लोगों को यहाँ बसाकर बीजेपी वाले अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में बहुत उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए। अगर चाहिए तो इनको लेकर वापस आओ ताकि रोजगार बढ़े। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक फैसला है। उन्होंने कहा कि बात ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भारत आने के लिए बीजेपी ने दरवाजे खोल दिए हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आज उत्तर पूर्वी राज्य खासतौर से असम के लोग भुगत रहे हैं। असम के लोग CAA से बहुत नाराज हैं। CM अरविंद केजरीवाल ने CAA को लेकर कहा कि देश में महंगाई हो रही है और हमारे देश के युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए और उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार महंगाई और बेरोजगारी का समाधान ढूंढने की बजाय CAA की बात कर रही है। CAA ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये CAA आखिर क्या है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि तीन देश बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उनको दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में इन देशों से अल्पसंख्यकों को लाया जाएगा और उन्हें रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। ये अजीब बात है ना। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।